इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने NDA की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार में NDA ने सीट शेयरिंग का कार्य पूरा कर लिया है, तो वहीं अब ऐसे में जहां पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली तो पारस ने अब बगावत कर ली है। पारस ने पहले ही कहा था कि अगर उन्हें सीट नहीं मिलती है तो फिर वो इस पर विचार करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि हाजीपुर का सीट उन्हें चाहिए, लेकिन NDA की तरफ से हाजीपुर का सीट चिराग पासवान को जा चुका है। चिराग पासवान को 5 सीट मिली है जिसमें हाजीपुर भी एक है। बता दें कि अब पशुपति पारस ने जहां इस्तीफे की बात कह दी है, इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं उन्होंने ये भी बता दिया है कि आखिर किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा देना सही समझा है। सुनिए। NDA गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक NDA का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने NDA की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ।